नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दुनिया के सबसे बड़े झूठे की पोल खोलने वाले समाचार। गप्पू पप्पू को तो आप सब जानते ही होंगे, आजकल खूब गला साफ कर राफेल राफेल चिल्ला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, फुस पटाके कभी फूटा नहीं करते और राहुल जैसे नेता कभी आगे बढ़ा नहीं करते। युवराज जी की मंडली ने उन्हें बता दिया कि राफेल में घोटाला हुआ है, बस फिर क्या था, लगे झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलने। और बुद्धि ऐसी कि राफेल के सही दाम तक नहीं पता। संसद में खड़े होकर झूठ बोला कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनके कान में आके राफेल की सच्चाई बताई है, लेकिन उनके बयान के तुरंत बाद ही फ्रांस सरकार ने सफाई दे दी कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। इस तमाचे के बाद भी क्राउन प्रिंस शांत नहीं बैठे। इस बार बोले कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलान ने ये कहा कि मोदी जी ने एक कंपनी के लिए दबाव बनाया, लेकिन इस बार भी झूठ पकड़ा गया। ओलान ने ये कहा कि ये अधिकार तो सिर्फ राफेल बनाने वाली कंपनी के पास है कि वो किसके पार्टनर बनाएगी। बेचारे गप्पू पप्पू दूसरे गाल पर दूसरा करारा तमाचा। अब दोनों गालों पर तमाचा खाने के बाद तो इंसान शांत बैठ जाए, लेकिन ये साहब तो पक्के निर्लज्ज है। फिर बोले कि मोदी सरकार ने राफेल सौदे में पैसे खाए हैं। भला जो इंसान खुद जमानत पर बाहर हो, उनके ऐसे झूठ पर कौन भरोसा करेगा। भारत के वायु सेना अध्यक्ष ने भी बोला कि राफेल डील एक गेम चेंजर डील है, इससे देश की ताकत बढ़ेगी। बेचारे गप्पू पप्पू के गाल पर एक और जोरदार तमाचा। इतना ही नहीं, पप्पू जी के कहने पर इनके चमचे सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा राफेल के प्राइस बताना सरकार के लिए जरूरी नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। बेचारे पप्पू जी, कोर्ट से भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी। लेकिन पप्पू तो ठहरे पप्पू, ऐसे ही दुनिया इन्हें फेक न्यूज किंग थोड़ी ही बोलती है। अब आलू के बाद इनकी झूठ की फैक्ट्री जोरों शोरों से चल रही है, ये जनता सब जानती है। ये पप्पू जी हैं।